सर अचानक जो कॉडी एक अरेस्ट के लिए सीपीआर सबसे बेहतर इलाज है? जी हाँ, पहले तो इसके लिए जानिए कार्डियक अरेस्ट क्या है। कार्डियक अरेस्ट होता है कि रोड पे आपके सामने बंदा खड़ा है, एकदम से गिर गया, सांस नहीं चल रही, धड़कन नहीं आ रही, तो या तो ये बड़ा दिल का दौरा होता है उससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, या फिर हम एक धड़कन की बीमारी बोलते हैं जो हमारे हार्ट के नीचे वाले खानों से आती है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इसकी वजह से सडन अरेस्ट हो सकता है। तो कार्डियक अरेस्ट के लिए सबसे अच्छी ट्रीटमेंट सीपीआर है, जिसको हम कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं, इसको आम भाषा में कार्डियक मसाज भी बोलते हैं। और ये सीपीआर या कार्डियक मसाज हम मानते हैं कि जितने लोग जान सके उतना अच्छा है, सीपीआर से बहुत जाने बच सकती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हर घर में एक आदमी को सीपीआर जरूर आना चाहिए। कब जरूरत पड़ती है सीपीआर की? देखिए, जब कार्डियक अरेस्ट होता है, जब पेशेंट एकदम से गिर जाता है, हार्ट चलना बंद हो गया, चाहे वो रोड पे है चाहे घर में है, जब बड़ा दौरा आया, तो ज्यादातर क्या होता है कि आपके अब 20% पेशेंट या मरीज होते हैं जो अस्पताल में अरेस्ट होता है, ज्यादातर 70% अरेस्ट बाहर ही होते हैं अस्पताल के। तो जब वो अरेस्ट होते हैं तो उसमें पेशेंट की जान बचाने का यही तरीका होता है, जिसको हम सीपीआर बोलते हैं। दूसरा, पेशेंट को जब हार्ट अटैक आता है, बड़ा दिल का दौरा आता है, तब भी कार्डियक अरेस्ट होते हैं, तो घर से अस्पताल पहुंचने तक उस टाइम पे पेशेंट को अगर आप सीपीआर देते रहते हैं तो पेशेंट की बचने की चांस बढ़ जाती है।